भारत के सभी किसान मित्रों को कॉटन गुरु का सादर नमन। आज 27 जून 2019 है। जून महीना पूरा निकल गया है। बारिश के लिए बहुत सारी चिंताएं किसानों ने हमें फ़ोन कर करके बताई हैं कि भाई बारिश हमारे एरिया में नहीं हुई है या नहीं हो रही है, या एक बारिश होने के बाद बहुत लंबा अंतराल गैप आ गया है, तो अब जो सोइंग हमने की है उसका क्या करें। अब जो हम सोइंग करने वाले हैं, बहुत सारे किसानों ने अभी तक बुआई नहीं की है, तो वो कब करनी चाहिए और कौन से सीड वेराइटीज़ आपको लगाना चाहिए कपास की सोइंग के लिए। तो कपास की बुआई के लिए हमारी किसानों के लिए ये राय है कि जो जून महीने में बुआई कर चुके हैं, जिनकी बिजाई हो चुकी है, उनको अपना क्रॉप बचा के रखने के लिए हर रोज़ अपने खेत में जाके आपको आपका प्लांट का जो ग्रोथ है वो मॉनिटर करना, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपास को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए पर रेगुलर अंतराल पे पानी मिलना बहुत आवश्यक है। अभी कल से 26 जून की शाम से बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे क्षेत्रों में पानी गिरा है, अभी भी गिर रहा है। ये बहुत ही अच्छे समाचार हैं। तो जिन्होंने अभी तक सोइंग नहीं की है, जिनकी बुआई नहीं हुई है, उनको अब बुआई कर लेनी चाहिए। अब ज़्यादा बारिश के लिए रुकने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब नहीं की तो फिर आपको शायद बहुत लेट क्रॉप हो जाएगा। और सीज़न एंड में अगर आपके कपास के ऊपर ज़्यादा बारिश हुई है, आपके पानी की कमी हुई, तो आपके क्रॉप को नुकसान भी हो सकता है, वहाँ पे डिजीज़ का अटैक भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी जिनकी बुआई हो चुकी है वो अब प्लांट अब तो बारिश में आपके बच जाएंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, जो खतों का मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छी तरह सोच समझ कर करें। और जिनकी बुआई नहीं हुई है वो अब बुआई कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ के सीड्स आप अभी प्रिफर करिए, जो 140 से 150 दिन के हों। अब 160 से 180 दिन थोड़ा लंबा अंतराल हो जाएगा, तो 140 से 150 दिन के लिए के जो शॉर्ट वेराइटीज अवेलेबल है वो आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ में हमने देखा है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन भी हुआ है, एक एकड़ में 29,000 से 32,000 प्लांट लगा के कुछ कंपनीज एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन उसमें और अभी बहुत काम करना बाकी है। जैसे कि मैकेनिकल हार्वेस्टर हैं, जो कटिंग के मशीन है, वो अब तक उतने सक्सेसफुल नहीं है, उसमें ट्रैश 5 से 7% आता है। तो जो भी किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि उस कंपनी से, बीज कंपनी से आपको डिस्कस करके हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपका जो कटिंग का टाइम है क्रॉप का, तब ज़्यादा ट्रैश नहीं है, उस तरह के मैकेनिकल हार्वेस्टर क्या अवेलेबल है, क्या आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको मालूम करना है। और कपास के भाव के लिए एक अच्छे न्यूज़ है कि जो व्यापार युद्ध चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में, जिसके कारण विदेशी बाज़ार बहुत ही नरम है। इस पूरे साल भर में बहुत कम मौके किसानों को मिले हैं, जबकि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाव अच्छे रहे हों, लेकिन अब ये ट्रेड वॉर का अंत बहुत नज़दीक दिख रहा है। कुछ ही समय में ये ट्रेड वॉर का अंत होने की हमें उम्मीद है। ये अगर होता है तो चीन फिर से बाज़ार में रुई खरीदने आएगा, रुई बिकेगी तो कपास के भाव भी बढ़ेंगे या तो टिके रहेंगे। तो आप भी पेपर पढ़ते रहिए, कॉटन गुरु की यूट्यूब चैनल पे आप अपनी नज़रें बना के रखिए, हम जो भी अपडेट होंगे हम आपको ज़रूर देंगे। और तीसरी बात, एमएसपी बहुत ही जल्द गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है। हमें उम्मीद है कि 5 से 10% की बढ़ोतरी एमएसपी में हो सकती है। आप इस पर भी वॉच रखिए, सरकार कटिबद्ध है किसानों को हेल्प करने के लिए, उस हिसाब से भी वो कुछ कर सकते हैं। हमारे सूचन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के हिसाब से मैंने जाके वहाँ जो रिप्रेजेंटेशन किया था, उसमें हमने बताया था कि आप गुणवत्ता को लिंक कर दीजिए एमएसपी के साथ में, अच्छी गुणवत्ता के कपास को ज़्यादा भाव मिलने चाहिए। अब उन बातों पे इस साल विचार होता है या फिर अगले साल सरकार कुछ करती है, ये तो समय बताएगा, लेकिन आगे का समय कपास की खेती के लिए हमें अच्छा लग रहा है। कपास के भाव स्टेडी रहेंगे, एमएसपी ऑलरेडी अच्छी तरह बढ़ाया हुआ है और भी बढ़ाने की उम्मीद है, तो कपास को बचा के रखिए डिजीज़ से और कम यील्ड से। यील्ड ये बिना आप कपास में नफ़ा नहीं कर सकते, ये हम सालों से कहते आ रहे हैं और हमारा आज भी यही दावा है। अगर अच्छा उत्पन्न, अच्छा यील्ड आप लेते हैं और ढंग से आप
कपास की मार्केटिंग करते हैं तो कपास की खेती में नुकसान करने का कोई कारण नहीं है। बारिश का अपडेट, MSP का अपडेट और व्यापार का अपडेट, व्यापार युद्ध का अपडेट, ये हम आपको रेगुलर इंटरवल्स पे देते रहेंगे। कॉटन गुरु का सादर नमस्कार।